गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अभी थर्ड चैप्टर मैथ्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी फिफ्थ क्लास में एक बारी कर लिया है, लेकिन हम वापस सब कुछ रिवाइज करेंगे ताकि आपको सम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। की वर्ड्स मतलब इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, पहले उनके बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स होते हैं वन और उसके आगे के नंबर्स। आगे के मतलब अनलिमिटेड नंबर्स है, नंबर्स का कोई एंड नहीं है, नंबर्स ख़त्म नहीं होते हैं। दिस मीन्स वन और आगे के सारे नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। इसमें ध्यान रखिएगा कि जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, सो वन और उसके आगे के सारे नंबर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? लेट्स से हमने एक नंबर ए इंटू बी किया और हमारा आंसर सी आया, तो यहाँ पे इनको जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है उसको बोलेंगे, सी को यहाँ पे बोलेंगे प्रोडक्ट। मतलब हमने दो नंबर्स लिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, जो आंसर हमारा आया उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। एंड इसको, इन दोनों नंबर्स को बुलाएंगे हम फैक्टर्स ऑफ सी। सी इज द आंसर एंड सी इज अ मल्टीपल ऑफ ए एंड बी बोथ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स सी 5 × 3 हम करते हैं। 5 × 3 = 15 वी नो। तो हमने यहाँ पे दो नेचुरल नंबर्स लिए, नेचुरल नंबर्स मतलब वन से ऊपर वाले, कोई भी नंबर वन और वन से ऊपर वाले। तो यहाँ पे ये दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आया 15। तो 15 विल बी आर प्रोडक्ट। नाउ व्हाट आर फैक्टर्स हियर? फैक्टर्स जैसे कि मैंने बताया, जिन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है उनको बुलाएंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ व्हाट? फैक्टर्स जो कि हमारा प्रोडक्ट आया है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 15। एक और हमने वर्ड सुना था मल्टीपल, सो 15 हियर विल बी द मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। इन दिस केस ए एंड बी मतलब ये दोनों, यहाँ पे ए एंड बी की जगह पे हमने यूज किया है 5 और 3। सो लेट्स रिवाइज। फैक्टर्स ऑफ 15 विल बी दीज टू, दैट इज 5 और 3, एंड मल्टीपल ऑफ 5 और 3 इज 15। ओके,